हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए एक बिल्कुल जबरदस्त वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, जो भी हम कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, चाहे एचडीडी हो, एसएसडी हो, पीसीआई, एनवीएमई, M.2, बहुत सारी चीजें टर्म यूज होती है ना। आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये, क्या मतलब है इनका, कौन सी लेनी चाहिए, कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर। गारंटी देता हूं कि आप जब इस वीडियो को देखकर उठेंगे तो आपको पता होगा कि आपको किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस लेना चाहिए। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग पीसी यूज कर रहे हो तो किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस से आप अपग्रेड कर सकते हो उसको। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार, सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस हमारा एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आपने शायद पढ़ा भी होगा ये फंडामेंटल कंप्यूटर में, बहुत सारी जगह पर आपने सुना भी होगा। तो 8 से 10 साल पहले ये कुछ ऐसी टाइप की आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 3.5 इंच की होती थी डिवाइस, ये यूज होती थी। तो यार, इसके अंदर जो मैग्नेटिक कुछ कह सकते हो आप, इसका आर्किटेक्चर होता था, स्पिनिंग डिस्क करके होती थी। इसके अंदर जो आपका स्पीड कैलकुलेट होती थी आरपीएम, रोटेशन पर सेकंड के बेस पे होती थी। तो जस्ट एक एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर आपकी ये डिस्क आपको 7200 आरपीएम दे रही है, मतलब रोटेशन पर सेकंड कर रही है, तो विच मीन आपका 160 MB की स्पीड दे रही है ये। बस ये ज़्यादा है कम है ये अभी आपको पता चल जाएगा जब इसका कंपैरिजन होगा बाकी डिस्क से। बट हाँ, ये आपकी एक इनिशियल डिस्क थी, ये काफ़ी टाइम पहले यूज़ होती थी और अभी भी अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना तो उसको खोल के देखना, उसके अंदर यही पड़ी होगी 3.5 इंच की, तो यही मिलेगा आपको। तो गाइज, अगला हमारा स्टोरेज जो डिवाइस होता है, बेसिकली आपने टर्म्स सुनी होगी, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है, बहुत सारी चीज़ें यूज होती है। तो सबसे एसएसडीज में घुसने से पहले ना, सबसे पहले इसकी टर्म आप समझ लो क्या क्या होती है इसके अंदर। आपने सुना होगा एनवीएमई, सुना होगा पीसीआई, सुना होगा M.2, सुना होगा साटा, सुना होगा। तो मतलब क्या है इनका, क्या होता है इनका, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर जाएंगे हम कौन कौन सी ड्राइव्स होती है, कौन कौन से स्टोरेज होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आता है एनवीएमई और साटा। एनवीएमई होता है आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस और साटा होता है आपका सर्वर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये बोथ, ये दोनों ही चीज़ें आपका मेथड्स होती है कम्युनिकेट करने का, जो आपका एसएसडी और पीसी के अदर पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करता है। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इसके बाद हमारा आता है पीसीआई। पीसीआई होता है आपका पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस जहाँ पे यूज हो गया ना आपका, तो बेसिकली यहाँ पे ये आपका स्पीड या आपका इंटरफेस से रिलेटेड चीज है। तो पीसीआई आपका क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस बोले तो क्या काम करता है वो, एसएसडीज और पीसी के बीच में आपका इंटरफेस का काम करता है, दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट करके। सिंपल क्लियर। अब आता है M.2। M.2 आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा, अगर आपने मदरबोर्ड्स भी देख रहे होंगे तो मदरबोर्ड के अंदर भी आपको M.2 मिल रहा होगा। तो M.2 का मतलब होता है कि M.2 एक सॉकेट होता है आपके मदरबोर्ड के अंदर, दैट्स इट, एक फॉर्म फैक्टर होता है M.2 का। अगर आप कहीं पढ़ोगे इंटरनेट पे तो आपको मिलेगा फॉर्म फैक्टर, बट क्लियर लैंग्वेज में ये जस्ट एक सॉकेट है। आपको देखा होगा जो इस टाइप की, अगर आप देख रहे हो ये SSDs, तो इसमें आपकी ये चिप की जो कटिंग होती है ये इस टाइप की सॉकेट में लग जाती है, दैट्स इट, कुछ नहीं होता। तो आपको तीनों चारों पॉइंट क्लियर हो गए हैं क्या क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं एसएसडीज के बारे में। एसएसडीज में घुसते ही ना सबसे पहले अपने को मिलता है 2.5 की एसएसडी। तो जैसे आपने देखा होगा एचडीडी कहती है 3.5 की थी, थोड़ी सी छोटी हो गई, 2.5 की एसएसडी हो गई, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है भाई। एसएसडी का फर्क है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके बताया था कि 160 MBPS पर सेकंड का स्पीड देता था बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो 2.5 की एसएसडीज है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड रहती है, आप देखोगे अलग अलग ब्रांड का अलग अलग हिसाब है, 400 to 550 MBPS पर सेकंड। तो कितना डिफरेंस है आप ले देख पा रहे होंगे। तो अगर जो लोग अगर एचडीडी से एसएसडी पे मूव कर रहे हैं तो ये फर्स्ट स्टेप है, और आज की डेट में भी यही धड़ल्ले से यूज हो रही है। तो इसमें मूव करने के बाद आपको आपका सिस्टम पता चल जाएगा यार कितना गोली स्पीड से काम कर रहा है। तो ये सबसे एक खतरनाक चीज है आज की डेट में। क्या आती है हमारे पास एसएसडी, अगली आती है M.2 SATA SSD। तो बेसिकली क्या होता है कि चिप लेवल की एसएसडी बन जाती है। अब ये 3.5 इंच का साइज नहीं रहा या 2.5 का नहीं रहा, अब उससे भी कम एकदम रैम की तरह हो गया है आपका। M.2 सॉकेट में लगती है, आपके मदरबोर्ड में M.2 सॉकेट मस्ट होना चाहिए, तो उसमें लगते हैं M.2 SATA SSD। मैंने आपको बताया था कि NVMe और SATA, ये दो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज होते हैं आपके एसएसडी और पीसी के अदर पार्ट्स के बीच में। तो पहले बात करते हैं M.2 SATA SSD की। M.2 SATA के साथ क्या होता है कि M.2 सॉकेट में लग जाती है और ये SATA SSD होती है, तो इसकी स्पीड ऑलरेडी उससे प्रीवियस वाली से फास्ट होगी आपकी, जो आपकी एक नॉर्मल SSD है, तो उससे तो फास्ट होगी, बट NVMe से कम होगी क्योंकि NVMe इज द फास्टेस्ट वन। तो ये वाली बीच में आ जाती है आपके, इसमें आपको रेंज मिल जाएगी लगभग 1500 से 2000 MB/s की स्पीड। आती है आपकी M.2 NVMe SSD, जो कि बहुत डिमांड में चल रही है मार्केट में, बिकती भी बढ़ी, क्योंकि यार क्या है ना, जैसे जैसे हम रेंज ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितनी हमें स्पीड फास्ट मिलेगी ना उतना प्राइस भी मोटा जाएगा भाई। तो ये क्लियर है ना। तो M.2 NVMe SSD क्या करती है, ये आपका जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करती है NVMe यूज करती है, इंटरफेस में SATA का होता है और M.2 सॉकेट में लगती है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसकी स्पीड जहाँ आपको मिल जाती है आराम से 3000 3500 MBPS 3500 MBPS तक की स्पीड आराम से आपको मिल जाती है।
तो आप इसमें इजीली काम कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी PCIe, क्या था ये? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। तो बेसिकली ये सिंपल सी भाषा में क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो आपकी कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, SSD और PC के पार्ट्स के बीच में इंटरफेस आपकी तरह काम कर रहा है। और ये आज तक की डेट का सबसे फास्टेस्ट है, जी देख रहे हो अपने सिस्टम के लिए, जिसमें आप अपनी विंडोज डाल सकते हो या मेनली आपके लार्ज साइज के सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकते हो जो आपको लोड इजिली हो जाए और बढ़िया स्पीड के साथ। तो आप लोग इसमें यूज करिए M.2 NVMe PCIe SSD, क्लियर है? इसकी स्पीड आपको मिल जाएगी 7 से 7.5 MBPS/s के बीच में आपको मिल जाता है। थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है अलग अलग ब्रांड और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, तो बट इस रेंज में आपको मिल जाती है इतनी स्पीड, तो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ती है। बेसिकली होता क्या है, जो आपकी SSD की स्पीड आपकी वैरी करती है, कैसे करती है, तो ये आपके M.2 सॉकेट पर डिपेंड नहीं करती है। M.2 सॉकेट तो जस्ट एक सॉकेट है, एक फॉर्म फैक्टर है, उसमें आपने चिप लगा दी और डेट विल वर्क। होती क्या क्या टर्म्स हैं, जो एक PCIe और NVMe टेक्नोलॉजी है। अब PCIe के ना बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, आप कह सकते हो जनरेशन 2, 3, 4 और अभी 5 भी है मार्केट में। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इसकी कॉस्ट बढ़ेगी और वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगी भाई, जबरदस्त होने वाली है। तो 2 के अंदर अलग था, 3 के अंदर अलग था, 3 के अंदर आपकी 3-4 हज़ार MBPS की स्पीड आती थी, 4 के अंदर आ गया PCIe वर्जन जनरेशन 4 के अंदर, तो आपको स्पीड मिल गई इसकी 7 से 8 हज़ार MBPS के बीच में। और जैसे ही आप इसके PCIe वर्जन 5 के अंदर जाओगे, तो अभी कुछ मदरबोर्ड है मार्केट में जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो आप अगर एक हाई एंड PC बना रहे हो तो आप इसको ले सकते हो बिल्कुल। तो PCIe वर्जन 5 के अंदर, जनरेशन 5 के अंदर आपको स्पीड आपकी लगभग 80-90% इंक्रीज हो जाएगी, आपको लगभग 14,000-13,000 MBPS इतना स्पीड मिलेगा भाई। कनेक्शन रेट जो भी है आपका, ये डिपेंड करता है कि आपका PCIe किस जनरेशन से बिलोंग करता है, जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही तेज़ी से वर्क करेगी आपकी SSD। तो होपफुली अभी तक आपको पता चल गया इस वीडियो में कि किस किस टाइप के SSDs होती हैं, क्या क्या ये NVMe PCIe क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो क्या आप चीज़ों को क्या आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए बाय करते वक्त। बट मेरी तरफ से क्या कंक्लूजन है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम पड़ा हुआ है जिसमें आप पहले SSD यूज़ करते थे, आप उसे चाहते हो अपग्रेड करना, तो यार भाई उसमें सीधा सीधा SSD की जगह SSD डाल दो, आपको 10x परफॉर्मेंस का फर्क दिख जाएगा। डे टू नाइट इतना डिफरेंस है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। आप सीधा SSD डाल दो और ज़्यादा महंगी भी नहीं आई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं लिंक बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए हर टाइप के SSDs के, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। बट आप सीधा सीधा अगर आपको अपग्रेड करना है आप SSDs में अपग्रेड कर दो। अगर आप एक नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो यार मोटा सा गेम है, देखो भाई है तो पूरा बजट का गेम, आपका बजट जिस तरीके का है उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। तो मेरा ऑप्शन ये रहेगा आपको, आप एक क्या करिए, दो टाइप के स्टोरेज में डिवाइड कर दीजिए अपने सिस्टम को। एक तो रखिए आप अपना जिसमें आप अपना विंडोज डालोगे, जिसमें अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, ताकि वो लोड एकदम जल्दी हो। हाँ, जब आप मदरबोर्ड लोगे ना भाई, मदरबोर्ड में ये जरूर देखना कि M.2 सॉकेट है तो वो किस टाइप की SSD को सपोर्ट करता है, SATA को करता है, NVMe को करता है, या दोनों को करता है, ये जरूर देख लेना। पता लगे वो SATA को करता हो आप NVMe लगाओ चलेगा नहीं, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। बट मेरे तरफ से ये आपको सजेशन है, आप जब भी अपना PC बनाओ तो आप एक 40 GB या 500 GB का एक स्टोरेज अलग से, एक हाई एंड के लिए एक अच्छा सा PCIe NVMe SSD को यूज़ करो आप, जो कि अच्छी खासी जनरेशन, आई थिंक जनरेशन 4 को आपको यूज़ करनी ही करनी चाहिए, वो आप एक रखो। उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज अलग बनाओ, जिसमें आप एक नॉर्मल SSD आप यूज़ कर सकते हो, M.2 वाली ही करना, SATA के लिए मैं नहीं कहूँगा नॉर्मल कि वो अलग, बट M.2 वाली ही करना, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो कि कैसे आपको SSDs का चयन करना चाहिए आपके PC के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी से, बाय बाय।